हेलो दोस्तों, आज मैं आपके साथ एक बहुत सिंपल और हेल्दी ब्रेकफास्ट शेयर कर रही हूँ। और ये है मीठा दलिया, पर इसमें हमें चीनी की ज़रूरत नहीं है और ना ही दूध की ज़रूरत है। तो यहाँ पर हमें चाहिए एक कप दलिया, और मैंने यहाँ पर एक कप गुड़ का चूरा लिया है, आप गुड़ भी ले सकते हैं, और आधा कटोरी नारियल का बूरा है। तो ये हेल्दी, अगर आपको मीठा खाने का मन करता है और आप चीनी अवॉइड करना चाहते हैं तो एक बार इस दलिया को ज़रूर ट्राई कीजिए, और इससे पेट काफ़ी लंबे टाइम तक भरा भरा रहता है। तो फटाफट स्टार्ट करते हैं रेसिपी। तो यहाँ पर मैं एक चम्मच डालूँगी देसी घी। तो बात हेल्थ की हो रही है तो मैं ज़्यादा तेल यूज़ नहीं करूँगी, और आप चाहें तो इसमें देसी घी ऊपर से भी डाल सकते हैं। तो यहाँ पर ये दलिया डाल देंगे, और इसको हमें ना ज़्यादा नहीं भूनना है, बहुत हल्का सा ऐसे रोस्ट करेंगे। तो दलिए में जो होता है फाइबर बहुत होता है, और इसमें डाल देंगे ये एक कप गुड़ का चूरा। नारियल का बुरादा भी डाल देंगे। ये आधा चम्मच मैंने इलायची पाउडर डाल दिया। पानी डाल देंगे, एक कप पानी डाल दिया मैंने यहाँ पर, एक कप और डाल देंगे। अब इसे अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। तो इसे आप देखो लिक्विड फॉर्म में भी बना सकते हैं और इसे सूखा सूखा भी बना सकते हैं, ये दोनों तरीके से अच्छा लगता है। तो यहाँ पर मैं ना ये थोड़ा सा इसमें ये तेल लगा लो अब इसमें, क्योंकि ये कई बार क्या होता है जब सीटी लगती है ना तो ये बाहर छींटे मारता है, तो कहते हैं कि इसे छींटे कम पड़ते हैं। तो ये लगा लिया मैंने, अब इसे आप एक सीटी लगा दीजिए। तो मैंने इसमें दो सीटी लगाई हैं, और देखिए मेरा दलिया तैयार है, कितना अच्छा लग रहा है, बहुत जल्दी तैयार हो जाता है। इसको मुश्किल से बनने में सिर्फ 10 मिनट लगे हैं। कितना अच्छा लग रहा है। तो आप इसमें जिस तरह से भी गार्निश करना चाहते हैं, ड्राई फ्रूट मिलाना चाहते हैं ड्राई फ्रूट भी मिला सकते हैं, और अगर आप नारियल का बूरा नहीं डालना चाहते तो उसे आप स्किप कर सकते हैं। तो मैं इसे प्लेट में निकाल देती हूँ। ये देखिए देसी घी की ना इतनी अच्छी खुशबू आ रही है इसमें। और इसमें थोड़े से बादाम डाल दूंगी, काजू डाल दूंगी मैं। तो देखिए बहुत जल्दी से बनने वाला, बिना दूध चीनी के झटपट से बनने वाला ब्रेकफास्ट रेडी है। और आई होप मेरी रेसिपी आपको पसंद आई होगी। आप भी अपनी फैमिली के साथ इस रेसिपी को ज़रूर इन्जॉय कीजिए, और अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, वीडियो को कर दीजिए लाइक, और अपने कमेंट्स मेरे साथ शेयर कीजिए।